स्वागत है। आज हम मरीन ड्राइव पे आए हुए हैं। मरीन ड्राइव पे आने का मकसद है कि दिवाली, आज का दिन दिवाली का है, काफ़ी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं। हर साल की तरह यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन इस बार भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि कोरोना के चलते काफ़ी स्ट्रिक कर दी गई है कि पटाखे वगैरह ना फूटे। किस तरीके के जमावड़ा होता था हमारे साथ कुछ फैमिली के। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है। ताहिर भाई, हर साल जो है दिवाली में काफी यहाँ पे भीड़ भाड़ होती थी। हाँ। इस वक्त हालत इस तरीके के कोरोना के, हर इंसान उससे मारामारी में लगा हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कहना सही है, लोग डर रहे हैं बिकॉज कोरोना की वजह से। लोगों को ये है कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। हम भी बेटी के लिए लेके आए कि भाई हम हर साल आते हैं पटाखे खुशी के लेके। हम तो हर साल लेके आते थे पटाखे वगैरह लेके आते थे, ये टाइम फुलझड़ी भी लेके आए, बट पुलिस वालों ने मना कर दिया कि आप कुछ भी जला नहीं सकते, कुछ भी नहीं। और हम भी उनका सम्मान करते हैं। कोरोना से इतनी महामारी हुई है तो हमें भी समझना चाहिए कि पोल्यूशन और लोगों को तकलीफ ना, और ये वैसा वक्त नहीं है बिकॉज जहाँ पे कितने लोग कोरोना की वजह से मर गए करके। तो हम भी सहयोग दे रहे हैं पुलिस वगैरह का, और हम भी शांतिपूर्वक ही बैठे हुए हैं, और एक तरीके से पोल्यूशन को भी कंट्रोल हो रहा है। काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, यहाँ तक के पैर रखने की जगह नहीं होती थी, पटाखों की इतनी आवाज़ें आती थी कि लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। सही कह रहा। लेकिन आज मजबूरी ऐसे कि बच्चों की वजह से आना पड़ता है, उनका भी दिल रखना पड़ता है। हर इंसान सोचता है कि हम कोरोना से बचें। सही कह रहे हो, ये टाइम थोड़ा दिवाली ऐसा नहीं, बट लेकिन तब भी लोग बाहर निकल रहे हैं। अदरवाइज लोग मतलब 3-4 महीने पहले तो कोई दिख ही नहीं रहा था। ये टाइम तो लगा दिवाली होगा नहीं, बट तब भी लोग खुल के बाहर आ रहे हैं और अपने हिसाब से एंजॉय करके सेफ होली सेफ दिवाली खेलने की ये करे कोशिश करे। पुत्र ये बच्ची हमारे साथ बैठी है, बेटा आज पटाखे नहीं फूट रहा, कैसा लग रहा है आपको? बच्ची शर्मा रही है मम्मी। आप कुछ कहेंगे मैडम? दो लफ्ज कहिए कि आज जो आप बच्ची को लाए हो, लेकिन फिर भी ये पटाखे नहीं फूट रहे हैं, उसको कितना एकदम अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे खुशी का माहौल होता था। फिर भी ठीक है, मतलब लोग निकले हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मास्क पहन के। जी, लोग अपनी तरह से कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके का एंजॉय होता था यहाँ पे, काफी शोर। हाँ, वैसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। ठीक है, हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे। बैठी है सर, क्या नाम है? नाजिम भाई बंगड़ी वाला। सर आप बताइए, जो हर साल यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ होती थी, इस वक्त कोरोना के चलते हालत ऐसे हो गए कि काफ़ी लोग इससे डरे हुए हैं, आज दिवाली जैसी नहीं लग रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा क्या है, हम बड़ोडे से आए हैं जी। गए साल का हमको इधर का माहौल पता नहीं जी, ये साल में हम दिवाली मनाने इधर आए हैं। अच्छा। तो कोरोना के हिसाब से पब्लिक दिखती नहीं है। नहीं, लेकिन आपने अक्सर टीवी वगैरह में भी तो देखा होगा कि मरीन ड्राइव पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जा करती थी, लेकिन ये बात नहीं है, क्या कहेंगे मैडम? बहुत पब्लिक रहती है यहाँ तो, यहाँ तो रोड पे सब फटाके लगाते हैं। ये बार हाई कोर्ट ने भी मना किया पटाखे फोड़ने से, क्या कहेंगे? हाँ तो वही, सही डिसीजन लिया गया, सही डिसीजन है, पर आपको वो खुशी नहीं हो रही है? हाँ, ऐसे आप देखना चाहते थे कि किस तरीके से, क्या कहेंगे भाई? नहीं आती, जो हर साल जो दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी, ठीक है, वो वाली फीलिंग अभी नहीं आ रही है, क्योंकि ना ही पब्लिक कोरोना की डर की वजह से बाहर निकल रही है, ना ही वो लोग पटाखे फोड़ रहे, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा भी इतना नहीं है। ये बच्चों को काफी खुशी होती थी पटाखे फोड़ते थे। अभी भी हम यहाँ पे बैठते हैं, बहुत अभी जो पहले जो दिखता था उसमें खाली 1% पटाखे दिख रहे हैं फूटते दूर से, यानी वो बहुत बुरा लगता है कि साल में एक दिन ऐसा था जिसमें हम ये सब देख सकते थे, फिर वो भी ये बार हम मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। भाई का कहना हम भी मिस कर रहे हैं। हमारे साथ मैडम है, मैडम क्या नाम? यास्मीन। हाँ, आप बताएंगे कि जो दिवाली हर साल बहुत जोर शोर से मनाई जाती थी, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर आदमी डरा हुआ है कोरोना के चलते, और हाईकोर्ट ने भी पटाखों के लिए सख्त मना किया, तो ये सही डिसीजन लिया है या गलत लिया? नहीं, सही डिसीजन है ये। जो माहौल था मरीन ड्राइव का, पब्लिक जो है पैर रखने की जगह नहीं थी, आज देख रहे हैं कि खाली पड़ा है मरीन ड्राइव, खाली पड़ा है, बराबर है। क्या नाम है आपका? अच्छा है, उसके लिए तो अच्छा है ना, पब्लिक के लिए तो सही बात है ना। आप क्या कहेंगी मैडम? बच्चे तो देखने फायरवर्क ही आए थे, डिसअपॉइंट हो गए। नहीं, आप खास यानी सिर्फ पटाखे देखने आई थी? हाँ, सिर्फ पटाखे देखने आए थे। मैडम का कहना है मैं भी यहाँ पटाखे देखने आई थी, लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं कि कोर्ट ने मना किया गया है। हम अभी आगे और लोगों से भी जानना चाहेंगे। 19, हैप्पी दिवाली। हमारे साथ एक फैमिली और पीछे बैठी हुई है, देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पे मरीन ड्राइव पे दिवाली मना रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हो रहे हैं कि ना तो कोई आतिशबाजी है, ना कोई पटाखे वगैरह फूटे जा रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने सख्त मना किया है। मैडम क्या नाम है आपका? तृप्ति शाह। हाँ,
आप दिवाली मनाने यहाँ आए हो, आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पे काफी आतिशबाजी पटाखे वगैरह फूटेंगे, लेकिन कैसा लगा अभी इस वक्त? लेकिन ये टाइम तो समझ रहे हैं ना, कोरोना चल रहा है, अपने प्रोटेक्ट के लिए ही अच्छा है सब, जो कायदा कानून लगाया है वो। बड़े जितने हैं वो तो समझते हैं, लेकिन बच्चों को कौन समझाएगा? हाँ, लेकिन बच्चों के लिए वो भी समझ गए हैं कि कोरोना हो जाएगा, इसलिए टाइम चला लेंगे सब। मैडम का कहना है कि बच्चे समझ जाएंगे कि इस वक्त कोरोना का काफी मारा मारी है। एक और बैठी है मैडम, क्या नाम आपका? जलपा शाह। जलपा जी, आप बताइए कि मरीन ड्राइव पे हर साल काफी भीड़ होती थी, इस बार मायूसी छाई हुई है, दिवाली कैसी लगी आपको? अभी तो इतने टाइम से लॉकडाउन में घर में बैठे थे, तो हमारे लिए तो यही दिवाली है अभी, जो हम लोग बाहर आके इतना आए, आफ्टर 6 मंथ हम लोग आए फुल फैमिली के साथ। कहाँ से आए आप? हम लोग भाईंदर से आए हैं, और मेरी सास 72 ईयर्स के है, वो भी 7 महीने के बाद घर से बाहर निकले हैं, तो हमारे लिए यही दिवाली है, वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। एक बच्ची और बैठी है, बड़ा कैसा लग रहा है आपको, पटाखे नहीं फूट रहे? अच्छा लग रहा है, इस साल बहुत फीकी फीकी पूरी दिवाली थी, पर घर पे बैठे कितना बोर हुआ, पर अभी बाहर है ना, एकदम एंजॉयमेंट जैसा लग रहा है। बच्ची ने कहा कि बहुत एंजॉयमेंट लगा। एक बहुत हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला बैठी है, क्या नाम है? डायलिसिस। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त, अभी दिवाली का जो माहौल है? ये वक्त सुमसाम है। सुमसाम है, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है, ऐसा मजा आता है। चलो ठीक है, इनका कहना है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हालात जो है कोरोना के, हर आदमी उस महामारी से गुजर रहा है। हमारे साथ एक फैमिली और है, सर क्या नाम है आपका? कल्पेश जैन। कल्पेश भाई, हर साल दिवाली बड़ी शोर जोर से मनाई जाती है, लेकिन अब के कोरोना के चलते दिवाली बहुत फीकी हो गई, क्या कहेंगे इस बारे में? बस वही दिवाली में हम सभी देखे रहे हैं, अभी मरीन ड्राइव पे हैं, इस टाइम पे हैं, इतनी भीड़ होती है, इतनी ट्रैफिक होती है, बट अभी इस बार देखने के लिए कुछ नहीं है। इससे पता चलता है कि पेंडेमिक लोगों को बहुत बुरी तरह से हिट करी है, और इससे चलते देखिए कि कहीं पे भी ट्रैफिक भी नहीं है, लोग झिझक रहे हैं अभी भी, और लोगों के पास है ना, लोगों के पास इतना अंदर डर बैठा हुआ है ना, लोग अभी तक निकल नहीं पाए हैं, शायद इससे अभी निकलते निकलते 3-4 महीने और लगेंगे। धार्मिक स्थल को मंडे से खोल दिया जाएगा, जिसमें मंदिर भी है, मस्जिदें भी हैं, इसमें कितनी खुशी आप? नहीं, ऑफकोर्स मंदिरें और मस्जिदें जब खुलते हैं तो ऑफकोर्स एक लोगों को, इतने टाइम से लोग बंद रहे हैं, लोग अपने मंदिरों और मस्जिदों में जाएंगे ना, काफ़ी खुशी है कि काफ़ी टाइम से 6-8-9 महीने से है ना, लोगों को फ्रीडम नहीं है, चोरी चोरी छुपे छुपे बाहर से दर्शन करने पड़ते थे या बाहर से जाना पड़ता था, अभी थोड़ा खुल के धीरे धीरे, जैसे 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 सिनेमा हॉल्स भी अभी खुल गए हैं, बट अभी तक है ना मूवीज़ नहीं लग रही हैं, तो जैसे जैसे मूवीज़ और मंदिरें खुले हैं ना, वैसे वैसे इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, लोगों में से थोड़ा डर निकलेगा, डर निकलने से फिर से वो बिजनेस और सारा रूटीन बाहर आएगा। क्या नाम है बेटा आपका? स्तुति। स्तुति। बेटा स्तुति, ये बताइए, जो दिवाली हर साल आप मनाते थे, पिछले साल इस दिवाली में क्या फ़र्क लगा आपको? काफ़ी फर्क है दिवाली में, हम खुलेआम बिना मास्क के घूम सकते हैं, बिना मास्क के भी नहीं घूम सकते, डर लगता है वो। एक डर है दिल में कोरोना का? हाँ, वो ऐसे डर है ना, कभी फैल गया तो। पिछले साल काफी जोर शोर से पटाखे फूटे थे, इस टाइम पटाखों को बैन कर दिया गया है। हम तो ऐसे ही, हम ऐसे फोड़ते नहीं थे कि हम जैन लोग है, उसमें हम पटाखे नहीं फोड़ते, हमें इतना दूसरे काश के तो फोड़ते थे ना, नहीं तो हमें नहीं पता कि क्या होता है पटाखे, लेकिन वो पॉल्यूशन इसके कारण बंद भी हुआ है, काफी जो फटाके बैन हुए उसके कारण पॉल्यूशन काफी बंद हुआ है। आज आप देख सकते हैं रोड पे जरा भी पब्लिक नहीं है, तो हर साल इस जगह पे जो है पैर रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पर वो भी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अगर जैसे ही खुलेगा तब वैसे ही वापस हो जाएगा। बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।